हालत बना दी आज बच्चों ने मेरी। ऑडियो जंगल क्या हो गया तो बड़ा अपसेट हो, चलो मैं तुमको बाहर लेके चलूं। हाँ थक गई हूँ यार, बहुत ज्यादा आज थक गई हूँ। थक गए हो? आज दिन भर पढ़ाया इनको, के स्कूल का एग्जाम चल रहा है तो बहुत ज्यादा लोड आप पर पड़ गया है। सही में यार, स्कूल वाले ना बहुत ही इनके उल्टे पुल्टे मेथड रहते हैं। इस बार जाके पीटीएम में मैं बोल के आऊंगी कि आप लोग करते कुछ नहीं हो, सब कुछ हमें करना पड़ता है। अरे टाइम पे कॉपी तो दे देते हैं, पूरे टाइम उसकी कॉपी रखे रहे हैं। अब एंड टाइम पे प्रेशर किसके ऊपर पड़ा है? हमारे ऊपर पड़ा है ना प्रेशर सारा। सुबह जब से आँख खोली है ना, तब से बस मैं बैठ के पढ़ा ही रही हूँ। हाँ क्या हुआ? तब से बैठ के मैं बस इनको पढ़ा रही हूँ, एक एक आंसर लर्न कराने में ना आफत आ गई है। और फैज बेटा तुम तो बड़े हो, समझदार हो, तुम तो ना कराओ इतनी मेहनत। तो बस वही है, इनमें थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। चलो फिर बाहर देख क्या कैसा, देखो यहाँ पर आज बारह फात बना रहे हैं और आज मैंने पाए बनाए थे इसलिए और थक गई। पाए बनाए थे हम लोगों ने, खा भी लिए और आप लोगों को दिखाए भी नहीं किसी को। भूख लगी थी ना, लेट हो गया था, सब खा गए। अरे लोगों को बताना तो था कि भैया आज पाया बनाया है। ये है पाया पाया। वैसे मजा आया यार, बहुत मस्त बने थे। मैं भी बहुत खाया, मजा आया। तो अभी भी नाजरीन अभी इसीलिए आई थी कि चक्कर काट रही थी। नाजरीन तो कच्चे से उसका मन हो गया था कि आज बाजी बना रही है तो पक्का धुआंधार ही बनाएंगी वो। मैंने कहा जैसे तुम्हारे यहाँ आ गई हूँ और किसी करती हूँ, कहते ना बाजी मुझे और किसी खाना इतना पसंद ना आता, तुम बहुत अच्छा बनाती। मतलब अभी वो कच्चे पाए देख के चली गई थी, उसका दोपहर से मन हो गया। दोपहर में बोल गई थी कि बाजी मुझे भिजवा देना, पर उसका घर ऐसी जगह पड़ता है ना कि अभी कहाँ फैज को हम अंदर करके भेजते हैं उसको, ना ऐसी जगह नहीं, तो इसलिए हम बच्चे को नहीं भेजे, खुद ही भटकती आएगी। तो अभी उसको खुशबू आई गई, कह रही दे दो बाजी कुछ हो तो। मैं उसके हिस्से के लिए बचा रखा था आपने दोपहर में, कि बेचारी गरीब है तो इसलिए गरीब का हिस्सा पहले निकाल दिया जाता है। आप निकाल क्या? मैंने इसलिए दोपहर में आपको बोल दिया था कि नाज़रीन बोल के गई है भैया पहले उसका निकाल दो, नहीं तो मैं तो दूसरे का टारगेट बताया था। दूसरे का टारगेट मैं उसको तो अपने साथ दावत पे बुलाऊंगी ना। वही तो, इसलिए दक्षा तुमको मिस किया था हमने पाए खाने के टाइम पे, तो फिर इन्होंने यही बोला कि भिजवा दो। हमने कहा नहीं, यही पे दक्षा को बुलाऊंगी, यही साथ में खाएंगे कभी पाए हम लोग। चलिए फिर अब चले बाहर, अब चले स्वागत है। कैसे आप सब भाई, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छी हूँ। तो जैसा कि आपने अभी सुना कि मेरी हालत को देख के फरीद जी ने बोला कि चलो बाहर चलते हैं, तो अभी वो मुझे बाहर लेके जा रहे हैं, थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी। बहुत ज़्यादा थकान हो रही है मुझे, बहुत थकान हो रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा बात ना करते हुए हम निकलते हैं बाहर। क्या हालत कर दी आज बच्चों ने मेरी, दिन भर पढ़ाया मैंने इनको, तभी पता नहीं एग्जाम चल रहा है। मगर पढ़ने देखो, मुंह देखो इनके, थूथर में लगा कर इनकी तरफ मुंह दिखा दो, कैसी कंडीशन बना रखी है इनकी तरफ। कैमरा घुमाओ, कैमरा वीडियो में हो, कोई बात नहीं, असलियत पता तो चले जाए बच्चों को। देखो कैसे यहाँ माँ बाप की हालत खराब हो जाए, उनकी हमारे से ज्यादा हालत खराब है। सही कह रहे पा, सही कह रहे आप। बताओ यार, मतलब मुझ पे रहम नहीं है तुम लोगों को, है पढ़ना नहीं चाह रहे बिल्कुल। अरे ये कोई बात होती है, अरे तुम अपना काम कर लो। नहीं बैठ के कौन पढ़ाता है इतना, मुझे पढ़ाना पड़ता है इन लोगों को बैठ के। चलिए फ्रेंड्स मैं निकलती हूँ, थोड़ा सा तो मुझे फ्रेश होना ही है। और फ्रेंड्स घूमने की शुरुआत हुई है जोधपुर में आए हैं अभी हम लोग, और मस्त लस्सी ये मुझे बहुत ही यहाँ की पसंद है। और मेरा क्या करते हैं ना, बहुत ही गाढ़ी कर देते हैं, ड्राई फ्रूट डाल देते हैं, जो चीज़ जैसी होती है ना उसको वैसे ही रहने देना चाहिए। तो ये अभी हम पीते हैं लस्सी, अच्छी रहती है। बाकी लोग वैसे बना देते ज्यादा, अच्छा बना देते हैं। मलाई
चल जा भाई ठीक रहे फल हालत बना दिया आज बच्चों ने मेरी अरे अम्मू पापा को मिलते हैं क्या इतने पैसे और मम्मा को मम्मा को कितने मिलता है इतना मम्मा बस इतनी निकाल पाती है हैं मम्मा को नहीं मिलते हैं पहली बात तो एटीएम ही नहीं मिलता कहीं हाँ चले हैं सुबह भी निकाले थे क्या कब निकाले थे कल निकाले थे अम्मू चले अरे आज तो गिन ही नहीं पा रहा मेरा भी गिन लेता है ये मेरे मुश्किल से एक दो हमारे पढ़ाई का चले बैठो चलो पापा को मिलते हैं ना मम्मा को नहीं मिलते हैं चलो इतना मैंने क्वेश्चन पेपर बनाया है ना बच्चों का इतना किसी स्कूल में बनाया होता ना मैंने बीए बीएड लड़की ने तो सैलरी मिल रही होती मुझे और क्या ये फ्री में मैं इतना इनके बच्चों को पढ़ा रही हूँ कितना काम करना पड़ रहा है मुझे और क्या बताइए मैं तो तारीफ करती हूँ उन बच्चों की कि जिनकी मम्मा उन्हें नहीं पढ़ा पाती तब भी उनके बच्चे इतना पढ़ लेते हैं और एक हम हैं जो हर टाइम इनके पीछे पड़े रहते हैं फिर भी इन लोग का यही हाल है पढ़ ले बेटा पढ़ ले क्या बोल रहे हैं बताओ और बोलते जाए नहीं तुम्हारे उसमें तो तुम्हारा फॉल्ट 60% नहीं 50% है 50% तुम्हारे टीचर का फॉल्ट है हम ओपनली बोल रहे हैं इनकी मैडम ने जो कॉपी यार रखी रही है ना अपने पास मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या उनका प्रॉब्लम था भैया कौन सा उनका तरीका था नहीं तो मैं अपने फराज को पहले से इतना ट्रेन कर देती थी ना मेरा टॉपर लड़का ही है इस बार इतनी मेहनत करनी पड़ रही है एक दिन पहले बस रिविजन रह जाता था मेरे बच्चे का इतना मैं इसको पहले से कर दिया करती थी देख ही नहीं गई इन लोगों से मेरे बच्चे की काबिलियत है ना फराज अब ठीक है और क्या हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स बच्चे लोग स्कूल चले गए हैं फाइनली सुबह से उठ के फिर उनमें बिजी थी और अब मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ रात में भी कुछ मन नहीं हुआ था इतना ज़्यादा थक गई थी कैसी सो गई थी और चलिए फ्रेंड्स अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ अभी थोड़ा एग्ज़ाम की वजह से मैं उतनी इंटरेस्टिंग ब्लॉग नहीं डाल पाऊँगी लेकिन कभी कभी डाल दूँगी क्योंकि फरीद जी आए ना तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ आप लोग अपना ख्याल रखिए सुरक्षित रहिए सेफ रहिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और मेरे ब्लॉग देखते रहिए अल्लाह हाफिज़ टेक केयर बाय जय हिंद जय भारत